झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मी तेज है तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के नामांकन करने का दौर जारी है। जिस तरह से कल नामांकन दाखिल किया गया था तो वहीं आज भी जो है कई बड़े नेता आज नामांकन करने रांची के डीसी कार्यालय पहुंचे। वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आजसू के प्रत्याशी सुदेश महतो ने भी नामांकन दाखिल किया। सुदेश महतो के नामांकन कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा भी मौजूद थे। वही नामांकन करने के बाद सिल्ली के जो विधायक है सुदेश महतो ने इशारों में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए का स्पष्ट संकल्प है कि जो प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुशासन जो चल रहा है उससे जनता झेल रही है, उस जनता झेलने के साथ साथ हम जो है एनडीए का संकल्प है कि कुशासन और भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे। यानी आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक बड़ी बात भी कही है, तो सुनाते हैं आपको कि सुदेश महतो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हेमंत जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आज एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मेरे नामांकन में खुद आए और दिल्ली की जनता का मान बढ़ाया। एनडीए का संकल्प बड़ा स्पष्ट है प्रदेश के अंदर में, जो जनता लगातार 5 साल से प्रदेश के अंदर में ये कुशासन भ्रष्टाचार जो झेल रहे हैं, जो अवस्था यहाँ का हर वर्ग का है, हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अब वो समय आ गया कि मूल्यांकन करके अपना निर्णय सुनाने का। आप ही के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उन्होंने ही कभी हेमंत सोरेन पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। भाई ये दोनों दल के चरित्र तीनों के बारे हम पहले भी बोल चुके हैं, इनका रिकॉर्ड झारखंड के अस्मिता को हमेशा नुकसान पहुंचाने का रहा है। पहले भी आप देखे होंगे एक दल खरीदार बनता है, दूसरा दल बेचने वाला बनता है। आज ये दोनों आरोप फिर से उनके संगठन के ऊपर लग रहे हैं। इस बार भी क्या लग रहा है सर, पैसे देकर फिर टिकट ले लिया क्या इन्होंने? अपने चरित्र को सामने ला रहे हैं लोग। दिल्ली में मुकाबला मानते हैं कि मुकाबला है, त्रिकोणीय है या जो भी आप कंटेस्ट कर रहे हैं? कभी दिल्ली आइए, भी बहुत मौका मिलेगा, पता चल जाएगा। हम जो भी जगह हम लोग रहे, दिल्ली है, मरहेट है, सब पर हम ये राजक ये हमारा संगठन के प्लेटफॉर्म में और हमारा जो अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म में इसका रास्ता निकाला। तो सुना आपने कि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो का क्या कुछ कहना था, यानी उन्होंने साफ संदेश देते हुए कहा है कि जिस तरह से सरकार चल रही है हेमंत सरकार, उसके खिलाफ में जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा है और इसी तरह से आज नामांकन करने का भी दौर जारी है। लगातार कई बड़े नेता जो है नामांकन कर रहे हैं और नामांकन करने के साथ साथ जो है अपनी बातों को भी जो है मीडिया के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। तो रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।